For 5 decades, the tabla virtuoso Ustad Allah Rakha has mesmerized audiences the world over with his consummate mastery of rhythms and beats. And he has raised tabla playing to a rare level of artistic excellence. On the eve of his 70th birthday, we talk to him about his life and works. घर में गाना बजाना तो किसी ने किया नहीं, लेकिन ये थोड़ा समझते थे इस चीज़ को भी कोई है चीज़। और वैसे मैंने बचपन से ही बड़ा शौक था इसका। हमारे पंजाब में ज़्यादातर तो आपको पता होगा नाटक कंपनियां काफ़ी आती थीं और मेरे पिताजी को भी इसका बड़ा शौक़ था देखने का, सारा कुछ काम भी करने का। लेकिन हम कभी उनके साथ बचपन में ही रात साथ में रहते थे, तो वो लोगों को सुनते थे, वहाँ बहुत अच्छा बजाने वाले थे, तबला भी बजाते थे और अच्छे अच्छे म्यूजिशियन साथ में रहते थे उस वक्त, मुखाव जी, धुरपति, हर लोग। तो वो तबले का मुझे वहाँ से शौक़ हुआ कि इसको मुझे भी करना है, करना चाहिए। हमारे उसके बाद फिर मेरे को मियाँ कादर बख्श, ये लाहौर के हुए हैं, लाहौर में पंजाब घराना उसी से कम, हरे तबले के 4 घराना हैं, पंजाब घराना, दिल्ली घराना, पूरब घराना, अजराड़ा, 4 घराना है। तो मेरा घराना पंजाब का है जो लाला बुहानी दास से चला आ रहा है। ये लाला भवानी दास जी अकबर के दरबार में थे, मुखाब जी थे। उस्ताद जब इसकी मेहनत हो जाती, जब इसका अरूज होता है, फिर मैं अपने आप उस्ताद नहीं कहता हूँ, दूसरे कहेंगे भी उस्ताद है ये, तो फिर वहाँ से उस्ताद का लोग उस्ताद कहना शुरू कर देते हैं, जैसे पंडित कहना चाहते हैं, पंडित रविशंकर। गवर्नमेंट ने चुना, हमको डेलीगेशन भेजा जापान, और उन्होंने कहा कि भाई तबला प्लेयर कौन जाना चाहिए, तो सबके मुँह से निकले खास में अल्लाह रखा जाए तो बहुत अच्छा। रवि जी ने भी कहा कि अल्लाह रखा जी हो तो बहुत अच्छा। और उसके बाद जो शुरू हुआ तो फिर साथ में ही रहे, मतलब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मेरे भाई की तरह। वैसे हिंदुस्तान में कोई ऐसा गाने वाला या बजाने वाला कोई ऐसा है नहीं जो नामी हो, जो नामी थे, जिनके साथ मेरा बजाना गाना नहीं हुआ है, सबके साथ हुआ है।
अब्दुल करीम खान साहब के ज़माने में भी मैं सन 38 से बम्बई में आया हूँ। कम से कम 25 फिल्में दिया। वो AR कुरैशी के नाम से मेरा नाम एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। मेरे गाने सब कम से 15 फिल्म के तो गाने हिट हुए, बहुत काफ़ी। मदारी के गाने हिट हुए, सब के गाने हिट हुए, जिसमें एक गाना चला था निशा का मपा राम जी पामा गहरे था। और उसके बाद फिर को थोड़ा सा चेंज हो गया ना, तो मैंने कहा कि अभी यहीं छोड़ देना चाहिए। सन 58 से मैंने म्यूज़िक देना बंद कर दिया। पहले तो अभी 1 साल बाद 2 साल पहले कहते मुझे उस्ताद क्यों बोलते हो? उस्ताद मैं अभी हुआ नहीं, मुझे जाकिर हुसैन बोलो। लेकिन अभी दुनिया मानती नहीं, जब से पद्मश्री मिला वो अभी उस्ताद जाकिर हुसैन हो ही गया। ये बाया है, इसको बोलते हैं दाया और बाया। तो ये इसको बोलते हैं धा धा, फिर टीटर, फिर धाग टीटर, टीटर टीटर, तेरे कटे टक धाग, तेरे कटे टक तेरे कटे धाग, तेरे कटे टक तेरे कटे धाग, तेरे कटे टक तेरे कटे। ये स्मॉल जिसको कहते हैं ना कि अल्फाबेट जिस तरह बोल होंगे, लिखे भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लिख के सामने रख के बजाते नहीं हैं, है जी, उसको बाई हार्ट याद करना पड़ता है। और 10-20 साल सीखने के बाद उसको फिर हम प्रोवाइज कर सकता है। जैसे दिन डगने लगा तेरे कटे धाके नगे देखे लगने तक घड़ाने लगे तेरे कटे धाके नगे देखे नगे कटे दिन डगने लगा तेरे कटे धाके नगे देखे नगे कटे तक घड़ाने लगे तेरे कटे धाके नगे देखे नगे कटे तक। तो दिन डगने लगा मैं तबला नवाज ही बनना चाहता था, जो मालिक बना किसी आर्टिस्ट को बना के भेजता है, जो पैदा करता है ना मालिक पैदा करता है उसको, किसी आर्टिस्ट को बना के भेजता है कि तेरा काम ये है। तो इसलिए ऐसा इस तरीके से हमको भी बना के भेजा कि तुम्हारा काम ये है और तुमको इससे नाम करना है। तो दिल में ही हो जाता है, दिमाग में हो जाता है मुझे ये करना है और उसको कर को रहूँगा। इसलिए घर ही 10-15 साल की उम्र छोड़ दिए थे। तो इसको करना है, जब इंसान एक धार लेता है कि मैं इसको करना है तो कर लेता है।
Ustad Ala Rakha, almost 70 and still going strong. साथ में ही रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मेरे भाई की तरह हैं। वैसे हिंदुस्तान में कोई ऐसा गाने वाला या बजाने वाला कोई ऐसा है नहीं जो नामी हो, जो नामी थे, जिनके साथ मेरा बजाना गाना नहीं हुआ है। सबके साथ हुआ है। अब्दुल करीम खान साहब के ज़माने में भी मैं सन 38 से बम्बई में आया हूँ। कम से कम 25 फिल्में दिया। वो AR कुरैशी के नाम से मेरा नाम एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। मेरे गाने सब कम से 15 फिल्म के तो गाने हिट हुए, बहुत काफ़ी। मदारी के गाने हिट हुए, सब के गाने हिट हुए, जिसमें एक गाना चला था निशा का मपा राम जी पामा गहरे था। और उसके बाद फिर को थोड़ा सा चेंज हो गया ना, तो मैंने कहा कि अभी यहीं छोड़ देना चाहिए। सन 58 से मैंने म्यूज़िक देना बंद कर दिया। पहले तो अभी 1 साल बाद 2 साल पहले कहते मुझे उस्ताद क्यों बोलते हो, उस्ताद मैं अभी हुआ नहीं, मुझे जाकिर हुसैन बोलो। लेकिन अभी दुनिया मानती नहीं, जब से पद्मश्री मिला वो अभी उस्ताद जाकिर हुसैन। ये तबला है और ये बाया है, इसको बोलते हैं दाया और बाया। तो ये इसको बोलते हैं धा धा, फिर टीटर, फिर धागा टीटर, टीटर टीटर, तेरे कटे तक। ये स्मॉल इसको कहते हैं ना कि अल्फाबेट जिस तरह बोल होंगे, ये लिखे भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लिख के सामने रख के बजाते नहीं है, है जी, उसको बाई हार्ट याद करना पड़ता है। और 10-20 साल सीखने के बाद उसको फिर हम प्रोवाइज कर सकता है। जैसे दिन तकने लगा तेरे कटे धाके नगे देखे लगने तक गड़ाने लगे तेरे कटे धाके नगे देखे नगे दिन तकने लगा तेरे कटे धाके नगे देखे नगे तक गड़ाने लगे तेरे कटे धाके नगे देखे नगे तक। तो दिन तकने लगा गड़ाने लगे तेरे कटे धाके नगे मैं तबला नवाज ही बनना चाहता था, जो मालिक बना किसी आर्टिस्ट को बना के भेजता है, जो पैदा करता है ना, मालिक पैदा करता है उसको, किसी आर्टिस्ट को बना के भेजता है कि तेरा काम ये है। तो इसलिए ऐसा इस तरीके से हमको भी बना के भेजा कि तुम्हारा काम ये है और तुमको इससे नाम करना है। तो दिल में ही हो जाता है, दिमाग में हो जाता है मुझे ये करना है और उसको कर को रहूँगा। इसलिए घर ही 10-15 साल की उम्र छोड़ दिए थे, तो इसको करना है।
जब इंसान एक धार लेता है कि मैं इसको करना है तो कर लेता है। सबके साथ हुआ है। अब्दुल करीम खान साहब के ज़माने में भी मैं सन 38 से बम्बई में आया हूँ। कम से कम 25 फिल्में दिया। वो AR कुरैशी के नाम से मेरा नाम एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। मेरे गाने सब कम से 15 फिल्म के तो गाने हिट हुए बहुत काफ़ी। मदारी के गाने हिट हुए, सब के गाने हिट हुए, जिसमें एक गाना चला था नीसा का मपा राम जी पामा गहरे था। और उसके बाद फिर को थोड़ा सा चेंज हो गया ना, तो मैंने कहा कि अभी यहीं छोड़ देना चाहिए। सन 58 से मैंने म्यूज़िक देना बंद कर दिया। पहले तो अभी 1 साल बाद 2 साल पहले कहते मुझे उस्ताद क्यों बोलते हो, उस्ताद मैं अभी हुआ नहीं, मुझे जाकिर हुसैन बोलो। लेकिन अभी दुनिया मानती नहीं, अब जब से पद्मश्री मिला वो अभी उस्ताद जाकिर हुसैन हो ही गया। बोलते हैं दाया और बाया, तो ये इसको बोलते हैं धा धा, फिर टीटर, फिर धागा टीटर, टीटर टीटर, तेरे कटे टक धागे, तेरे कटे टक तेरे कटे धागे, तेरे कटे टक तेरे कटे धागे, तेरे कटे टक तेरे कटे। ये स्मॉल इसको कहते हैं ना कि अल्फाबेट जिस तरह बोल हों, लिखे भी जा सकते हैं लेकिन हमारे यहाँ लिख के सामने रख के बजाते नहीं हैं, है जी, उसको बाई हार्ट याद करना पड़ता है। और 10-20 साल सीखने के बाद उसको फिर इम्प्रोवाइज़ कर सकता है। जैसे दिन दगने लगा थे।